उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा के मद्देनजर राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का काम कर रही है। साथ ही वहां दरारों की चपेट में आ रहे मकानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक कुल 826 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव की असल वजह जानने को लेकर तमाम संस्थानों की टीमें यहां सर्वे का काम कर रही हैं। वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं कि बारिश और भूकंप का आना जोशीमठ के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जोशीमठ शहर में लगातार हो रहे भू धसाव की घटना राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। यही वजह है कि राज्य और केंद्र सरकार इसके पीछे की असल वजह जानने को लेकर काम कर रहे हैं। करीब 8 संस्थानों की टीमें जोशीमठ शहर के अलग अलग इलाकों का साइंटिफिक अध्ययन कर रही हैं, जिसके बाद ही जोशीमठ शहर में हो रहे भू धसाव की असल स्थिति साफ हो पाएगी। जोशीमठ शहर की वर्तमान स्थिति यह है कि अगर इस क्षेत्र में कुछ भी अनावश्यक छेड़छाड़ की गई तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। दरअसल जोशीमठ शहर 30 से 40 डिग्री पहाड़ के स्लोप पर बसा हुआ है, जिसके चलते जोशीमठ शहर पर पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रेस है। वहीं जोशीमठ शहर में हुए भारी भरकम निर्माण कार्यों की वजह से भी स्ट्रेस बढ़ा है। यही नहीं, जोशीमठ शहर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में भी शामिल है। इस क्षेत्र को भूकंप के लिहाज से सिस्मिक जोन 5 में रखा गया है। कुल मिलाकर जोशीमठ शहर चारों तरफ से बेहद ही संवेदनशील है। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर काला चंद साई ने बताया कि जोशीमठ शहर का फ्यूचर 3 फैक्टर से तय होगा। आपको बता दें, वाडिया की टीम इस वक्त जोशीमठ में सर्वे का काम कर रही है। इन 3 फैक्टरों में से सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो क्लाइमेट चेंज है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा बारिश और बर्फ गिरती है तो इससे जोशीमठ की स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। फिलहाल जोशीमठ शहर की सरफेस स्टडी की जा रही है। इस स्टडी में इस बात की जानकारी मिलेगी कि इस शहर के सतह पर दिख रही दरारें आखिर कितनी गहरी हैं, किस दिशा में दरारें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि भूगर्भ में पड़ रही दरारें ही जोशीमठ का भविष्य तय करेंगे। चूंकि जोशीमठ शहर स्लोप पर है, तो ऐसे में अगर दरारें स्लोप की डायरेक्शन में नीचे की ओर बढ़ रही है तो आने वाले समय में जोशीमठ शहर के भविष्य पर खतरा बना हुआ है। बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। वाडिया इंस्टीट्यूट के मुताबिक सरफेस स्टडी को पूरा होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, तभी इसकी फाइनल रिपोर्ट मिल पाएगी। मेरी रिपोर्ट राजकुमारी।